ख्वाजा बरादरान की जमानत की दरख्वास्तें, लाहौर हाई कोर्ट का दो रुकनी बेंच दरख्वास्तों पर समाअत आज करेगा। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार किया गया, नैब के साथ मुकम्मल तआवुन किया, तमाम रिकॉर्ड फराहम किया। ख्वाजा बरादरान का मौकफ, अदालत जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे, ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की इस्तदा। साबिक DIG जुनेद अरशद के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासा जात का केस, मुलजिम को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिम साबिक बीवी की गैर अखलाक की तस्वीर को अपलोड करने पर पहले ही गिरफ्तार था। मुलजिम जुनेद अरशद ने आमदन से ज्यादा असासे बनाए और बैंक ट्रांजेक्शन की, नैब का मौकफ। दोस्त के साथ मिलकर अपनी बीवी को तशद्दुद, सर के बाल काटने का मुकदमा, दोनों मुलजिमान को आज मॉडल टाउन कचहरी अदालत में पेश किया जाएगा। मॉडल टाउन कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट शाहिद जिया मुकदमे की समाअत करेंगे। मुलजिमान में मियां फैसल और राशिद अली शामिल, पुलिस तफ्तीश बरामदगी की रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। एहतजाज और धरने के बाद अब क्लासेस के बायकॉट का फैसला, प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का फैसल चौक में धरना 7वें रोज भी जारी। आज से पूरे पंजाब में क्लासेस के बायकॉट और कॉलेजेस के बाहर धरना देने का ऐलान। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया, पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए इजाफा, नई कीमत 98.83 रुपए फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल भी 6 रुपए महंगा, 117.43 रुपए फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल और लाइट स्पीड डीजल की कीमत में 3-3 रुपए फी लीटर इजाफा, नई कीमतों का इतलाक हो गया। और पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का नया तूफान आने को तैयार, अशियाए खुरनोश दालें घी सब्जियों की कीमतों में इजाफा होने का इम्कान, शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई।